हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरी तबीयत आज कुछ ख़राब हो गई है। बस अभी नहा के कमरे में आ रही हूँ, बैठी हूँ बेड पे, तो सोचा मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ। बस पता नहीं क्यों ऐसे ही लग रहा है, जैसे कि थोड़ा सा दर्द पूरे शरीर में और भारी भारीपन लग रहा है। पता नहीं बुखार आ रहा है या मतलब जुकाम होने वाला है, कुछ तो है। तो अभी तक पार्लर नहीं गई, बहुत लेट हो गया है, फिर भी मेरी बेटी गई हुई है। अभी बाल भी नहीं ठीक किया, थोड़ा तैयार हो जाए तो फिर जाएंगे पार्लर चोट उठी करके। ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होते फ्रेंड, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत छोटी टी कर लें। और सोच रहे हैं थोड़ा सा आराम कर लें, लेट जाएं यहाँ, उसके बाद फिर जाएंगे पार्लर। थोड़ी देर आराम कर लूँ दोस्तों, उसके बाद फिर हम पार्लर में जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर बात करेंगे। बस 10-15 मिनट आराम कर लूँ, क्योंकि मैं दवा बहुत कम खाती हूँ, दर्द की या कोई भी दवा मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा आराम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपसे पार्लर में मिलते हैं। और बस तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा छोटी टी कर लेंगे, जा रहे हैं आराम करने। बहुत तकलीफ़ है फ्रेंड, तो मैं आपसे बात ही कर रही हूँ लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आंखें बता रही होंगी कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो सोचा नहा लूँ तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन नहाने से भी कुछ आराम नहीं हुआ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ पार्लर जाके। हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा आराम आया, तबीयत थोड़ा ठीक हो गई। ये देखो लाइट भी आ गई, इसमें इतना लाइट प्रॉब्लम कर रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लाइट ही नहीं आ रही हमारे यहाँ, बहुत कम लाइट आ रही है। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, आप लोग पता ही है कितनी गर्मी हो रही है। अरे बस सब पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम हुआ मुझे, दवा भी खाना पड़ा। मैंने सोचा था कि दवा नहीं खाऊंगी, लेकिन दवा तो खाना ही पड़ा। तो पार्लर जाना है तो ठीक ठाक जाना है, क्योंकि कस्टमर वगैरह आएंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो अब मैं जा रही हूँ पार्लर, चोटी भी बना ली, लेकिन मेरे बाल ऐसे हैं कि लगता ही नहीं है मैंने इसको बांधा है या चोटी किया है, लगता है कि ऐसे बिखरे ही रहते हैं। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है बैंक में, वो आराम कर रहे हैं कमरे में, आज उनका सारा दिन आराम ही रहेगा। हमारी तो ड्यूटी है, हम तो जा रहे हैं पार्लर, लेकिन इनका तो आज सारा दिन ऐसे ही लेटे रहेंगे। एक हफ्ते के लिए एक दिन आराम करते हैं एक हफ्ते में। अब चल रही हूँ पार्लर, आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। देखती हूँ पलक मेरी बेटी क्या कर रही है पार्लर में, पढ़ाई कर रही है, मैंने भेजा है उसको पढ़ने के लिए, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, CBSE बोर्ड की परीक्षा है उसकी, और आज संडे भी है, वो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रही है। चलते हैं देखते हैं वो क्या कर रही है। ये देखो मेरी बेटी का ये आ गया पार्सल, और मैं पार्लर जा रही थी, रास्ते में मेरे हस्बैंड मिले और बोले कि बेटी की वॉच आ गई है, उसको बहुत पसंद है वाली वॉच, तो मैंने सोचा उसे नहीं बताएंगे, और हम लाके यहाँ मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं। वो भी पढ़ाई कर रही है ऊपर कमरे में, और मैंने इनसे कहा वीडियो बना लो, सब लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर उसको हम सरप्राइज करेंगे, अभी उसको नहीं पता है। बहुत तेज से की
क्या रखा हुआ है? अच्छा ये भी रखा हुआ है, इसको फेंक देते हैं, अभी पैक करना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो बहुत प्यारी बात है, उसको बहुत पसंद थी, हम दोनों ने मंगवाया, अब उसे सरप्राइज करेंगे, अभी बताएंगे उससे। ये अभी मतलब अलग अलग है, और ये देखो इसमें सारे बहुत अच्छी है। चलो इसको पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको मतलब बुलाते हैं और दे देते हैं, लेकिन क्या करें फ्रेंड, वो मेरे वीडियो में आना ही नहीं चाहती, मेरे साथ ब्लॉग बनाना नहीं चाहती, कहती मम्मी मेरी फ्रेंड लोग देखेंगे मुझे क्या बोलेगी, ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। अभी जाके उसको दे देंगे, पैक कर दें फिर से सब कुछ रख के, बाय। अब मैं अंदर आ गई पार्लर, जैसे भी रहूँ पर्दा बाहर तक रहता है, घर से आते हैं तो पर्दा करके आना पड़ता है, क्योंकि ससुराल है आप लोग तो जानते ही हैं, तो थोड़ा सा शीशा बहुत गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लूँ। ओके आप लोग ऐसे ही बातें करते रहें हमसे, मैं भी आप लोगों से ऐसे ही बातें करती रहूँगी, और काम भी करना है, काम भी करती रहूँगी। इसको भी साफ कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, बाहर से धूल उल आ जाती है, वैसे तो बहुत सेफ्टी है। सब गंदा हो जाता है, आप लोग जरूर बताना कमेंट में। ओके तो गंदा हो जाता है, और ये शीशा है तो भी साफ हो गया, ये सब जरूरी है इसको साफ करना। अभी तबीयत ठीक हुई, आराम मिला, अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा दवा नहीं खाऊंगी, लेकिन दवा खाना पड़ा मुझे क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ आपसे, बस लेट जाती थी, मैं किसी से बात भी नहीं करना अच्छा लगता था मुझे, और दवा खाया, चाय पिया, और थोड़ा सा अभी थोड़ा सा भोजन करके आ रही हूँ तो बस अब जाके पार्लर खोला मैंने। पार्लर आई थी एक बार, लेकिन फिर उसकी पढ़ाई चल रही थी ना, मोबाइल से पढ़ रही थी, तो नेटवर्क था नहीं यहाँ पर, हमारी मोबाइल वहीं पर थी तो कनेक्ट करती है ना हमारी मोबाइल से, तो वहाँ जाके ऊपर कमरे में पढ़ने लगी। उसका गिफ्ट भी आ गया, वो हम लोगों ने सरप्राइज दिया पार्सल आया था, तो जैसे बाहर निकली वैसे ही उसका पार्सल आ गया, तो हम अंदर चले गए लेके, तो अभी उसको बुला के दिया, बहुत खुश हुई, बहुत पसंद है उसको, अपने भाई को फ़ोन लगाया और बातें करने लगी कि भैया कैसे लगेगा ये सब, वो अपना मतलब वही में जुटी हुई है, कनेक्ट कर रही है मोबाइल से, अपने डैडी की मोबाइल से कनेक्ट कर रही है, उसके डैडी भी कमरे में लेटे हुए हैं ना, आज संडे, आज उनको तो मज़ा ही मज़ा है, सारा दिन आराम ही करेंगे वो, शाम तक उठेंगे, और तो 8 दिन मंडे से लेके सैटरडे तक तो उनको बहुत बिजी रहते हैं,
टाइम ही नहीं मिलती, सुबह बैठ जाते हैं 10 बजे तो शाम तक 8-9 बजे तक ऐसे ही मतलब बैठे रहते हैं, हम काम भी रहता है। बैंक तो बहरहाल मतलब 5-6 बजे तक चलता है, लेकिन मतलब उनका कुछ काम अपना रहता है तो करते रहते हैं, 8-9 बज जाते हैं। तो मेरा भी एनी टाइम रहता है, जैसे सुबह शाम रात में भी कोई आ जाता है तब भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरा मतलब कि घर ही यहीं पर है। तो रात में भी कोई आता है ना तो मैं उसे वापस नहीं करती हूँ, बस देख लेती हूँ भाई, कर देती हूँ उसका जो करना रहता है। तो मैं लड़कियों को ज़्यादा वीडियो बना के नहीं डालती इस पर, क्योंकि पसंद नहीं है ना कि मतलब कि किसी का वीडियो पड़े यूट्यूब वगैरह, जैसे कि ब्लॉग वगैरह नहीं पसंद है कि हमारी फ़ोटो या वीडियो जाए, हम किसी का लेते ही नहीं हैं ज़्यादा। जैसे कोई ख़ास रहता है तो फिर उसकी फ़ोटो या वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं, नहीं दुल्हन भी सजाते हैं तो हम मतलब लेते नहीं हैं, वो फ़ोटो नहीं लेते हैं ज़्यादा, फ़ोटो और वीडियो भी नहीं बनाते क्योंकि लोगों को नहीं पसंद रहता है किसी किसी को। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही चल रहा है, आज मैं बहुत थक गई थी, बस थकान से कल की थकान, आज बुखार आ गया, सर भी दर्द करने लगा, क्या मिलते हैं आपसे, बस थोड़ा काम कर लूँ, कस्टमर आ गए हैं, थ्रेडिंग कर दूँगी।